कुछ न रह सका जहां वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या कहानियां तो रह गई। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, मैंने बहुत सारे अपने ऐसे दोस्त देखे हैं जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में 4 साल बड़े दर्दनाक गुजारे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ ठुकराया किसी एक की वजह से। अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से क्या सीखा, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मैंने डिग्री के अलावा बहुत कुछ सीखा। मैंने ये सीखा है कि लोग कैसे बदलते हैं, मैंने ये सीखा है कि लोग वफाओं का सिला कैसे देते हैं, मैंने ये भी सीखा है कि अपने घर के साथ रहने वाला दोस्त कैसे बदल जाता है सिर्फ एक जीपीए के लिए। कभी अपने दोस्त से एक दो पॉइंट के लिए ना रिश्ता ना तोड़े। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने जीपीए के लिए दोस्तियाँ ख़राब की, जिन्होंने क्लास में रिश्तेदारियाँ ख़त्म की। जॉन एलियन ने कहा था ना कि जब कोई शख्स चला जाता है, कोई शख्स आपसे छिन जाता है, तो आपको कदर उसकी तब होती है। तो आज सेम बात मेरी यूनिवर्सिटी के साथ है कि मैं आज इस यूनिवर्सिटी को छोड़ रहा हूँ तो मुझे इससे ज़्यादा मोहब्बत हो रही है कि आज जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ रहा हूँ तो मुझे इसकी ईंट ईंट से मोहब्बत हो रही है। मेरा दिल कर रहा है मैं जाके ईंट ईंट चूमूं, मैं बता नहीं पा रहा मेरे अंदर क्या फीलिंग्स है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की हर जगह को जाके देखूँ, पता नहीं आज मैं कैसे घर जाऊँगा। मेरी आंखों में आंसू है, ये पीछे आप देख रहे होंगे ये मेरी यूनिवर्सिटी की। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। यार आज ना एक ना क्वेश्चन आया कि जो मिल्क प्रोडक्शन होती है वो किस ग्लैंड में होती है। मैं यार परेशान हो गया कि किस में होती है। मैंने ना इधर देखा, फिर मैंने ना मेमोरी ग्लैंड लगा दिया, बाद में पूछा कि वो ठीक था। एक दिन आप हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों पे खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी होगी इतनी हसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन। मैंने सोचा न था। यो फ्रेम बना दी, तो साथ हो, फ्रेम पूरा है ना, फ्रेम साथ हो। मैं उसने कहा मैं नहीं लगाऊंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतीकुर रहमान है। यार अतीकुर रहमान दीनपुर से? जी जी। यार आप निस्बत बहुत अच्छे इलाके से हैं, लेकिन आप लगते नहीं है कि आप दीनपुर से। क्यों नहीं दीनपुर से, इधर यूनिवर्सिटी का माहौल है, इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। अच्छा यहाँ पर आके भोंडी करते हो, वहाँ पे जाके मौलवी बन जाते हो? उधर मैं मौलवी नहीं बनता, जैसे वहाँ हूँ ऐसे वहाँ रहता हूँ, मैं दोगला पान नहीं करता। अच्छा, आपको घर वाले कुछ नहीं कहते कि हम भाई मौलवी दीनदार? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कहते, कहते हैं बड़ा हूँ बस। उनको पता खुसरा पैदा हो गया। खुसरा क्या, मैं तुझे बताऊँ? अच्छा आगे बोल। आगे यार क्या पूछूं, लेकिन आप उल्टे जवाब देते हैं। उल्टे क्या, आप इधर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ। हाँ यूनिवर्सिटी का भी आपने देखा माहौल, कैफेटेरिया के पास कैसा, वैसे होना चाहिए। इधर एक दो बच्चियां बैठी हुई थी कि 3-4 और होती, कुछ नाच रही होती, कोई गिटार बजा रही होती। वाह जी वाह, ये कुछ तो होता यूनिवर्सिटी लाइफ होती है। वो बशीर, आप आदिल के बारे में क्या फील करते हैं? आप दोनों अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, कॉलेज लाइफ में भी इकट्ठे पढ़े हैं। बस यार ये कॉलेज अल्पाइन में पढ़ते थे ना, तब भी ये ऐसे करता था कि बस आज क्लास नहीं लेनी, बंक मारना, फिर हम कैफे चलेंगे फलां फलां। फिर यूनिवर्सिटी इकट्ठे आए, इधर भी ऐसे ही, हमने दोनों ने ना क्लासें नहीं ली प्रॉपर तरीके से। और ये तो बस तो है ना, क्या फ्रेंड है, होते ऐसे। हाँ बस आप बता दें कुछ मुबशिर के बारे में। मुबशिर के बारे में क्या बताऊँ, जब भी आपने देखा ना, लंगोटिया यार है आपका बचपन का, यार जहाँ पे इसको बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन, ये सॉन्ग तो सुनना होगा, कुछ बता दे। नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह हम नेक पाक हैं, हम गाने नहीं सुनते। अच्छा जो भी है हम अताउल्लाह इस अखिल को सुनते हैं। अच्छा क्रिकेट के बारे में भी कुछ बता दें, कौन सा खिलाड़ी पसंद है आपको? आपका नेम क्या है? मेरा नेम बशीर। किस सेमेस्टर से हैं?
मेरा पांचवा खत्म हो रहा है अब छठा डिपार्टमेंट लाइफ साइंस। आज आपके सारे पेपर कंप्लीट हो गए हैं, अब घर जा रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं और बच्चों को क्या नसीहत करेंगे कि वो आगे क्या करें, उन्हें कोई गाइडनेस दे? वैसे क्या गाइडनेस, तो मैं इसका खुद गाइडनेस की जरूरत है। नहीं नहीं वैसे बता रहे हैं, एक्सपीरियंस तो है ना आपको? हाँ बस ये तो है कि पेपर दिए आपने ये, और बताएं माहौल के बारे में यूनिवर्सिटी के। मैं ये कहूँगा कि जो ना जिन्हें घर रोटी नहीं मिलती वो भी यहाँ आके भूंडी बाजी कर रहे होते हैं, दूसरों की इज्जत को खराब कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि ऐसा ना करें। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। और भूंडी बाजी के तालीम के भी आप कुछ एजुकेशन के बारे में बता दें। एजुकेशन यार मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी की जो लाइफ होती है ना वो आप इंजॉय करने के साथ साथ पढ़े भी सही। हाँ, साथ साथ जो, साथ जैसे याद करते रहे तो आसानी होती है, आखिर में पढ़ने का कोई फायदा नहीं। हाँ ये तो है, भूल जाता है। आप बता दें अपना नेम, बता दें डिपार्टमेंट, बता दें। मेरा मोहम्मद अली नाम है, और क्या बताऊँ, अब क्या पूछना चाह रहे हैं? ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने पेपर दे दिए। हाँ पेपर, जिस हिसाब से मैंने छुट्टियाँ की, पेपर देना मेरा हक नहीं बनता था। जितनी मैंने छुट्टियां की हैं ठीक है, वो टीचर्स की मेहरबानी है, उन्होंने पेपर देने दिया मुझे। और अभी घर जा रहे हैं, घर तो जा रहे हैं, 5 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं आज। आपने 5 सेमेस्टर, इसका मतलब आपने 2.5 साल यहाँ पे गुजार दिए। अब बताएं क्या करना चाहेंगे? जो माहौल है वो दिन ब दिन खराब से खराब होता जा रहा है। अच्छा यार प्रैक्टिकल हो रहे हैं, 30 मिनट में आंसर ले लेते हैं हमसे। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। यार इधर कैफ्यूट में फंस गए हैं, सुबह 3-4 बजे उठते हैं, फिर पेपर देने चले जाते हैं। इधर आध घंटे में हमसे पेपर ले लेते हैं, फिर कहते हैं आध घंटे बाद अब हम आपसे बहवा लेंगे, कॉपी चेक करेंगे, अटेंडेंस चेक करेंगे, नमा माल सारा हमारा हो रहा है फरिश्तों की तरह नहीं, जैसे हमारा कयामत के दिन होगा। अभी पता लग रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जितना हो सके कैफ्यूट से बचें, मेरी आपको ये नसीहत है। कहते हैं नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में।